नमस्कार दोस्तों, दिल्ली फ्रूट मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 14 फरवरी 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला। दोस्तों आलू के जो भी रेट बताएंगे, ये 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है। यहाँ पर जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है रेट। चलिए जान लेंगे भाई साहब के पास ये कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ आई आलू की, आज के आलू के क्या क्या बाजार हैं, हर रोज के मुकाबला क्या स्थिति है जान लेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार राणा जी। नमस्कार जी। सर जी आज का कैसा बाजार चला जी? आज देखो राणा जी, आज देखो यहाँ पे अरेवल तो 115 गाड़ी है और कल की बैलेंस है 40 गाड़ी। अच्छा जी। थोड़ा सब्जियां मंदी होने के कारण थोड़ा सा कारोबार के अंदर थोड़ा इसलिए आलू का उठाव थोड़ा कम चल रहा है क्योंकि सब्जियां मंदी हैं। और दूसरी बात है अभी ठंड पड़नी, कल का दिन रहा है बहुत ठंडा रहा है। अच्छा, तो थोड़ी फिर दोबारा से चाक आनी चाहिए आलू के अंदर क्योंकि आलू जो है ठंड के अंदर थोड़ा ज्यादा खाया जाता है। अच्छा। और आलू संबल क्षेत्र से 100 गाड़ी के करीब, 90 गाड़ी, 80 गाड़ी, 100 गाड़ी के करीब तो आजादपुर में आ रही हैं। अच्छा। और उसके अलावा जो से एनसीआर की मंडी हैं उनमें भी जा रही हैं और साथ बॉम्बे तक की लोडिंग हो रही है। अच्छा, ये पोजीशन है। बाकी अरेवल जो सी है वो तो देखो सब हो ही रही है और बैलेंस बन ही रहा है। बाकी आलू जमीन में निकल रहा है लेकिन सुंडी की शिकायत भी आ रही है थोड़ी बहुत। अच्छा। थोड़ी बहुत सुंडी की शिकायत आ रही है और आलू जो है लोगों का सामान यही नजर आ रहा है कि भाई उठाव बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उठाव बनेगा। अच्छा। ये नहीं कि नहीं बनेगा, उठाव बनेगा क्योंकि अब आलू जो है देखो जी बात समझे, इससे मंदी चीज और क्या मिलेगी। अच्छा जी। 6 रुपए किलो में चीज मिल रही है, 7 रुपए किलो में चीज मिल रही है, 5 रुपए किलो में चीज मिल रही है और क्या लेंगे। गाय का चारा वो महंगा है, हर एक चीज महंगी है, गेहूं महंगी है, 15 रुपए किलो, 16 रुपए किलो तूड़ी बिक रही जी बूस। गाय का चारा महंगा है और तुम्हारे गेहूं महंगी है, हर एक चीज महंगी है, आलू की कपस्थिति बढ़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। बढ़नी चाहिए और बढ़नी भी चाहिए क्योंकि आलू के अलावा और है कौन सा सब्जी जो सी जो सबकी पूर्ति करेगी, सारी चीज में डलता है। और आलू का पाउडर, आलू का पाउडर वाउडर भी बनेंगे, सब चीज होगा। देखो सब चीज निकलेगी, देखो आलू क्वांटिटी निकल रही है, किसानों को अपने मनोबल सही रखने चाहिए और गवर्नमेंट से भी यही पुकार है कि जो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, उनको इनका सबका साथ देना चाहिए किसानों का। और किसान है तो सब कुछ है, किसान के ऊपर सब कुछ है, किसानों का साथ पूरा देना चाहिए हर एक तरीके से। इनकी ट्रेनों का सुविधा, और मतलब जैसे रैक के थ्रू माल कहीं भेजना है उनकी सुविधा, जो सब्सिडी दे सकते हैं, जो गवर्नमेंट के अपने हाथ में है, जो गवर्नमेंट के अपने हाथ में है उसके अंदर सब्सिडी दे के किसानों को उस तरीके से करना चाहिए। जैसे कोल्ड स्टोरों में इनको सब्सिडी वगैरह दिलवाना, हर एक चीज़ों में मतलब इनको सब्सिडी में कुल मिला के थोड़ा सा उस तरीके से किसान बचेगा तो हम भी बचेंगे। हाँ जी, हाँ जी। किसान के बच्चे जो उनसे आगे पढ़ लिख रहे हैं और बच्चे उनके बेचारे खेती ना छोड़े अपनी को, खेती किसान जो उनसे खेती को छोड़ता है मजबूरी में छोड़ता है। हाँ जी। किसान की खेती छूट गई तो समझ लो सबका कारोबार में खराबी आएगी। हम तो ये कह रहे हैं अगर हमारी आवाज अगर गवर्नमेंट के किसी अप्लाई तक पहुंच रही है, जिसकी पहुंच आप गए तक है, तो इन किसानों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। किसान बेचारे सुखी हैं तो हम भी सुखी हैं और इस भाव में क्या कमाएगा और क्या देगा किसी को। 5-6 रुपए किलो आलू बताओ जी, 4 रुपए किलो में क्या बनेगा जी? क्या बनाएगा बेचारा, क्या वो करेगा, आगे खर्चे भी नहीं निकलते। हाँ जी, हाँ जी। को ना सारी खादे, या तो खादों में तुम सब्सिडी दो, खादे तुम इनको बिल्कुल 0 रेट पे दो, खादों में उल्टा ब्लैक हो जाती है। हाँ जी। बारदाना देखो तुम 30 रुपए 28 रुपए कट्टे का बारदाना जूट का, ये तो कहीं ना कहीं तो उनको सब्सिडी देनी चाहिए ना किसान। हाँ जी। को किसान को देनी चाहिए, किसान के बारे में सोचना चाहिए। किसान खुश है तो हम खुश हैं जी। और किसान की निकासी देखो, किसान का सब कुछ देखो, किसान के पल्ले पड़ के रहे कुछ भी नहीं है जी। तो किसान तो बेचारे आपस में पंचायत करके, कल मैं रेडियो का, कल दूरदर्शन का वो सुन रहा था। हाँ कि दूरदर्शन कल के दिन लॉन्च हुआ था दूरदर्शन, तो दूरदर्शन से पहले जो कारोबार होते बीज के कारोबार होते थे या खेती के कारोबार होते, दूरदर्शन से कहा जाता था फलानी जगह पे फलाने गांव में मतलब फलाने चीज की बुआई हुई है, आलू की हुई है, गोभी की हुई है, मिर्ची की हुई है, फलानी चीज की हुई है। हाँ तो अब है मीडिया का जमाना। हाँ, अब मीडिया का जमाना फोटो के साथ में आती है, तो हम तो यही पुकार करेंगे अगर हमारी आवाज जा रही है, बार बार ये रिक्वेस्ट करेंगे किसानों के बारे में सोचो। किसान बेचारे सुखी है तो हम भी सुखी है। और किसान ये नहीं कि भाई किसान जो बेचारे लाचार है, जो लाचार है उनके बारे में सोचो। आज छोटा जी क्या बाजार चला जी? वैसे जी बाजार यहाँ पे बढ़िया माल जो से है उसकी भोजन तो यहाँ पे रही है 240 से लेकर 280 रुपए तक जी। 240 रुपए से लेकर 280 रुपए तक, 280 संभल वाले 50 किलो। और आज एक सूर्या की गाड़ी आई थी मंडी में, मार्केट में, सूर्या लंबा आलू एक गाड़ी आई थी, वो बगैर वो उठी है, एक गाड़ी आई थी मार्केट में। फिर भी अंदाजा क्या पड़ा? वो अंदाजा देखो जी, मतलब
अंदाजा 700 रुपए के करीब बिकेगा, 714 रुपए किलो। अच्छा जी। लेकिन आलू सूर्या बहुत स्पेशल था, बहुत थोड़ी स्किन भी टाइट हो गई थी और ये सैदपुर साइड से आई थी। अच्छा, सैदपुर साइड से आई थी। और जो बात कर जी चिप्सोना का, क्या बजाय चिप्सोना मार्केट में देखो जी, चिप्सोना के नाम पे ना चिप्सोना ओरिजिनल वाला आर कमरा है, दूसरे आ रहे हैं नंगे जो सी वैरायटी टाइप के, अभी पूरी स्किन भी पूरी नहीं हुई, वो 500 रुपए बिक रहे हैं, 400-500 रुपए बिक रहे हैं जी। अच्छा हाँ। जी। और बढ़िया हो, स्पेशल हो, एक्स्ट्रॉडनरी हो, 10-20 रुपए खींच जाता है जी। अच्छा जी, जी। बाकी लाल लोल जो है वो 450-500 बिक रहे हैं, लाल भी एल आर वगैरह का जी, एल आर 50 किलो। फिर बार बार यही कहेंगे कि आलू को जो है स्टोर में रखने का टाइम आ रहा है, और जो है बहुत सोच समझ के, बहुत तरीके से समझ के काम करें, और फिर भी कईयों से राय लें, फिर भी देख के काम करें, ये नहीं कि उसको देख के आप कूद जाएं, और फिर सोच समझ के काम करें, क्योंकि स्टोर में खर्चे भी बतेरे हैं। हाँ जी, खर्चे बतेरे स्टोर में, कच्चे आलू में तो तुम्हारा दंगे जो है समझ ले किसी को वो हो जाता है, निकल जाता है, खर्चा कम आता है, स्टोर के अंदर जाने के बाद 100 रुपये भाड़ा आ जाएगा, साथ में बुग्गी का भाड़ा आ जाएगा, सब चीज भाड़े आए थे, बारदाना लगता है, सब कुछ लगता है उसमें। अच्छा, और वेट भी शॉर्ट होता है आखिर में आके। तो आज का सबसे हाईएस्ट कौन सा माल रहे जी, सबसे हाईएस्ट मार्केट में देखो भाई 60-80 रुपए की मार्केट बता रहा हूँ हाईएस्ट। अच्छा जी, 60-80 रुपए मार्केट लेके चलो, 260 से 280 50 किलो। सबसे बड़ी बात गोभी वगैरह मंदी हो गई ना, इसके कारण थोड़ा फर्क आ जाता है, थोड़ी और सब्जी तेज हो जाए ना थोड़ी सी, तो उसके अंदर जागृति आ जाती है, आलू में भी आ जाती है। अच्छा, अभी तो ऊपर वाला साथ दे रहा है, कल जैसे मौसम हो गया ऐसा, अगर 10-15 होली तक का साथ दे जाए थोड़ा सा और, तो जो सा इनके थोड़ी और खपत बढ़ जाएगी बेचारों की। अच्छा, तो टिक्की कचौड़ी वगैरह खाने वाले साय भी चलने अभी थोड़े बहुत, ये चीज है। और यूपी के दूसरे वाले भी चल रहे जी आलू, जो तोल वाले आ रहे हैं, हापुड़ आलू भी आ रहे हैं, जगीराबाद भी आ रहा है, हापुड़ भी आ रहा है, रेट चल रही, उनके पोजिशन यही चल रही है, 10-20 रुपए ऊपर नीचे जी, 10-20 रुपए ऊपर नीचे। बाकी यह की कुल मिला के यह है की हर एक जगह से खुदाई चालू हो गई है इस टाइम, लेकिन अलीगढ़ क्लास नहीं आया जी दिल्ली मंडी में अभी। अच्छा जी, अलीगढ़ क्लास नहीं आया, बाकी संबल एरिया आ रहा है, संबल का क्षेत्रफल भी अच्छा लगा हुआ है, तो संबल एरिया आ रहा है जी। संबल, धन्यवाद सर जी, दुकान का एड्रेस 3333 चंद्र प्रकाश दिनेश का, 93-122-42-752। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक, नमस्कार।